आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कानून मंत्री जी, मंचासीन वरिष्ठ अधिकारी, सभागार में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित संस्थाओं के सभी पदाधिकारी, महिलाओं, बच्चों, देवी सज्जनों और मीडिया के साथियों, आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पल्स पोलियो के राष्ट्रीय राउंड के शुभारंभ के अवसर पर उनका स्वागत कर रहा हूँ। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने अपने समय में से हमारे लिए समय निकाला और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यक्रमों के लिए समय निकालते हैं। महोदय, पोलियो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी के रूप में देश में हुआ करती थी और इससे बच्चों की जाने भी जाती थी और साथ में बच्चे विकलांग भी होते थे। अथक प्रयास के बाद अपना देश इसे इराडिकेट करने में, इसे इसका उन्मूलन करने में सफल हुआ। अपने प्रदेश में सन 2010 अप्रैल में फिरोजाबाद में आखिरी पोलियो का केस रिकॉर्ड हुआ था। भारतवर्ष में 2011 में पश्चिम बंगाल में आखिरी केस रिकॉर्ड हुआ था और फिर उसके पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लेकिन चूंकि पास के कुछ देशों में पाकिस्तान अफगानिस्तान में अभी भी ये संक्रमण चल रहा है, इसलिए एहतियातन यहाँ नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी मनाया जाता है और अपने प्रदेश में हम स्पेशल राउंड्स भी मनाते हैं जिसमें बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उन्हें अलग से पोलियो का टीका दिया जाता है, पोलियो की दो ड्रॉप दी जाती है वैक्सीन की। इसके अलावा जो बच्चों का नियमित टीकाकरण होता है उसमें भी बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है। पोलियो की दवा एक बार जन्म के समय और बाद में 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में बच्चों को दी जाती है। श्रीमान, ये जो राउंड हो रहा है इसमें अपने प्रदेश में 3.4 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आज पूरे प्रदेश में बूथ लगे हुए हैं, बूथों पर सभी बच्चों को दवा पिलाई जाती है जो जो भी बूथ पर आते हैं। और श्रीमान, आज रविवार है तो पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का संचालन भी हो रहा है और जहां जहां हमारे मेले लगे हैं वहां पर भी बूथ लगे हुए हैं। 1.10 लाख बूथ आज पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं जहां बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, जहां बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। और इसके पश्चात जो ये नेशनल राउंड होता है इसमें शिवन जो आज बूथ पर बच्चे नहीं आ पाएंगे उनके लिए फिर हमारी टीमें घर घर जाती हैं और 5 दिन तक वो घर घर जाती हैं। तो सामान्य रूप से तो सोमवार से शुक्रवार तक यह काम किया जाता है, लेकिन क्योंकि अब हम अपने प्रदेश में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हम कोविड का टीका लग रहे हैं इसलिए सोमवार से बुधवार तक यह कार्य होगा और फिर शनिवार और रविवार को टीमों के द्वारा घर घर जाकर जो भी बच्चे छूटे हुए होंगे उनको ये पिलाया जाएगा, पोलियो का टीका दिया जाएगा। ये उन बच्चों के नाम मैं पुकार रही हूँ जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कदमों से पोलियो ड्रॉप पिलाकर फर्स्ट पोलियो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। पीहू, उसके बाद पीयूष पीयूष के बाद बेबी ऑफ आरती। आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े रहकर इस शुभारंभ कार्यक्रम का जोरदार अभिनंदन तालियों के माध्यम से कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ अपने कदमों से किया है। जिन बच्चों को माननीय पल्स पोलियो की 2 ड्रॉप पिलाकर जीवन दान की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं वो इस प्रकार आनंदित
प्रफुल्ल सक्सेना, आरव सक्सेना, पीहू पीहू पीयूष पीयूष तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और ऐसे में 5 साल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें पोलियो ड्रॉप दिया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जनतंत्र टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। मुख्यमंत्री इस वक्त पोलियो केंद्र पर मौजूद हैं और एक एक कर जितनी भी महिलाएँ हैं अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं और यहाँ उन्हें पोलियो ड्रॉप दिया जा रहा है। तो इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, कर चुके हैं और ऐसे में पोलियो ड्रॉप्स दिया जा रहा है 5 साल से छोटे बच्चों को। तो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है, मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत क्योंकि कर चुके हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा फायदा पूरे राज्य को होने वाला है। पोलियो जैसी समस्या जिसने हर किसी के रूह को कपा दिया था वो समस्या एकदम ख़त्म हो चुकी है देश से और ऐसे में पोलियो ड्रॉप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।